हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर जो आप बटन देख रहे हैं, अगर आपको ये वाले बटन हाइड करने हैं तो कैसे कर सकते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं बैक बटन या आप इन्हें होम बटन भी बोल सकते हैं, इन्हें आप नेविगेशन बटन बोलते हैं। तो नेविगेशन बटन आपको कैसे हाइड करने, इसकी जगह आपको स्वाइप वाले बटन चाहिए, जेस्चर वाले बटन तो कैसे इनेबल करेंगे, इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो अपने फ़ोन में आप बटन कैसे हाइड करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सबसे पहले सेटिंग में जाने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करके डायरेक्ट सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आने के बाद यह मिल जाता है आपको एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग में जाएंगे तो आपको फर्स्ट नंबर पर मिल जाता है सिस्टम नेविगेशन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है अपने फ़ोन के बटन, अगर आप बैक वाला बटन लेफ्ट में ले जाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके बटन ऑर्डर चेंज हो जाते हैं, लेफ्ट में आ जाता है। फिर से राइट में करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे, आपका बटन राइट में आ जाता है। अगर आपको ये वाले बटन बिल्कुल हाइड करने हैं तो ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाता है जेस्चर, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके वाले बटन बिल्कुल हाइड हो जाते हैं। अब आपके बटन यहाँ से हाइड हो चुके हैं। तो अब आपको अपने फ़ोन में अगर बैक करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम इस साइड से स्वाइप करेंगे तो बैक आ जाएंगे, इस साइड से स्वाइप करेंगे तब भी आप बैक आ जाएंगे, बीच से स्वाइप कर देते हैं तब आप आ जाएंगे होम स्क्रीन पे। अगर आपको रीसेंट टास्क ओपन करना हो तो कैसे करेंगे, तो बीच से आपको स्वाइप एंड होल्ड रखना है, आप अपने आ जाएंगे रीसेंट टास्क में। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर अपने बटन आप हाइड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं हमसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।